बैठी रहो, तुम्हें सिर्फ देख रहा हूँ। सुनो तो बलू। क्या बात है मोगली? मुझे अपने चश्मे दो ना प्लीज। मेरे चश्मे क्यों? मैं इन तितलियों को करीब से देखना चाहता हूँ, पर जब भी इनके पास जाता हूँ ये उड़ जाती हैं। पर बात ये है मोगली, इनके बिना मैं ठीक से देख नहीं पाता। प्लीज, मैं जल्दी वापस कर दूंगा, सच्ची ये वादा है मेरा। अच्छा तो ठीक है, पर जल्दी लौटा देना। देखो तो मुझे, कैसा लग रहा हूँ बलू? मैं हूँ दिमाग वाला मोगली, इस जंगल का राजा। देखना कहीं गिरा मत देना, मेरे पास ये एक ही चश्मे हैं। टेंशन मत लो बलू। ओह, ये वाली तितली सबसे खूबसूरत लगती है। ये भी अच्छी है। बस अब बहुत हो गया मोगली, चश्मे लौटा दो जल्दी दो, वरना मैं बेहाल हो जाऊंगा। हाँ अभी देता हूँ, बस थोड़ी देर प्लीज। देख के इंसानी बच्चे, मेरी पूंछ पर खड़े हो तुम। माफ करना मैडम, दरअसल मेरी एक चीज खो गई है। हे! तुम चिल्लाए क्यों मोगली? किससे बात कर रहे थे? और मेरे चश्मे कहाँ हैं? अरे कहाँ ले जा रही हो? वो मेरे दोस्त के हैं। कहाँ चली गई थी? चलो ना खेलते हैं। क्या हुआ, खेलने का मूड नहीं है क्या? खेलना बच्चों का काम है। जरा देखो तो, माशा इतनी बड़ी हो गई कि अब हमें बच्चा कह रही है। साफ साफ असली बात क्यों नहीं बताती माशा? अब मैं हूँ दिमाग वाली माशा, इस जंगल की रानी। माशा बंदरिया लग रही हो, कहाँ से मिले तुम्हें ये? इन्हें चश्मे कहते हैं और सिर्फ मेरे जैसे दिमाग वाले जानवर ही इन्हें पहनते हैं। ये किसका माते हैं? ज्यादा सवाल मत करो, अब वक्त है रानी माशा का अपने लोगों से बात करने का। मोगली, क्या तुम्हें यकीन है चश्मे एक बंदर ही लिए गया? बंदर नहीं, बंदरिया, पक्का कह रहा हूँ। एक बंदर हो या बंदरिया, मेरा तो नुकसान हो गया ना। इन बंदरों का दिमाग खराब होता है। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई बलू, प्लीज मुझे माफ कर दो। तुमने तो माफी मांग ली, पर मुझे इनके बिना ही जिंदगी काटनी पड़ेगी ना। अब ऐसे खड़े खड़े मुझे देख क्या रहे हो, ऐसी रोतड़ू सी शक्ल मत बनाओ। बलू, तुम एक पेड़ से बतिया रहे हो क्या? बगीरा, हमें ठंडी गुफा की तरफ जाकर उन बंदरों को ढूंढना होगा। नहीं मोगली, आज रात तुम कहीं नहीं जाने वाले। खाना खाओ और चुपचाप सो जाओ। बंदरिया कहीं की, समझ में नहीं आता वो चश्मे का करेगी क्या। हाँ तो तुमने पूछा था पहाड़ों पर बर्फ क्यों जमती है, रानी माशा जवाब देगी। दरअसल पहाड़ों पर बर्फ चांद से गिरती है। तो चांद पे बर्फ कहाँ से आती है? वही जमती है, तभी तो वो इतना सफेद है। मैं पूछूंगा, हाथियों की नाक इतनी लंबी क्यों होती है? इतना आसान सवाल, अरे उसकी मदद से वो पेड़ पर चढ़ते हैं। पर मैंने किसी हाथी को पेड़ पर चढ़ते नहीं देखा। अब तुम्हें बता कर वो पेड़ पर चढ़ेंगे। हमारी रानी माशा बंदरों के इतिहास की सबसे समझदार बंदरिया है। बस अब और सवाल नहीं, अब जाओ और अपनी रानी के लिए खाना लेकर आओ और साथ ही रानी के लिए राज सिंहासन भी लाओ। कहा ना और सवाल नहीं। पर मैं तो ये पूछ रहा था कि ये राज राज सिंहासन क्या होता है? तुम कुछ खाओगे नहीं मोगली?
नहीं, मुझे नींद आ रही है, मुझे अब सोना चाहिए। गुड नाइट बगीरा, गुड नाइट बलू। बलू मुझे माफ करना। गुड नाइट मोगली। आपको पसंद आया ना रानी माशा? छी, ये कच्चा है। ये तो अच्छा है ना रानी माशा? बहुत पका है। कौन है ये गुस्ताख? इंसानी बच्चा। तुम बंदरों को तो रानी की कतरी नहीं है। कोई गाना गाओ, कोई ऐसा गाना जो सिर्फ मेरे लिए लिखा गया हो, ताकि जो भी जानवर उसे सुने तो उसे लगे मैं यानी रानी माशा इस बंदर इलाके की रानी हूँ, समझे? बलू, तुम्हें नहीं लगता तुमने मोगली को गुस्से में कुछ ज्यादा ही डांट दिया? उसे पता भी नहीं था कि वो बंदरिया आसपास है। सही कह रहे हो बघीरा, मुझे भी लग रहा है शायद वो बुरा मान गया होगा। ओ बेचारा मोगली, कैसे दुबक कर सोया है, कहीं इसे बुरे सपने ना आ रहे हो। बलू, ये मोगली नहीं है, वो कहीं गया है। अरे कुछ तो गाओ। रानी माशा, तुम रानी हो महान, जिनकी अपनी है शान, ऐसा और कोई नहीं महान। इंसानी बच्चे, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? आपके लिए गा रहा हूँ रानी साहिबा। रानी माशा, तुम रानी हो महान, तुम रानी हो सुंदर, ये मानते हैं सब बंदर। तुम दिल की एकदम सच्ची, जैसे कोई भोली बच्ची और खाती हो केले। तो चलो अब डांस हो जाए। आवाज वहीं से आ रही है। क्या नाचती हो? पर और अच्छा नाचोगी अगर चश्मे मुझे दे दोगी। अरे देख क्या रहे हो, जाओ पकड़ो उसे। पर हम क्यों जाएं? तुम्हारी रानी होने की। शेर खान, अगर तुम्हें इसे खाना है तो तुम्हें पहले मुझे खाना होगा। जैसा तुम कहो, इसे मैं मीठे में खा लूंगा। आ गए हैं हाँ। मोगली, घबराना मत। कौन है ये गुस्ताख? देख लूंगा एक एक को। वाह मोगली, ठंडी गुफा में अकेले जाकर तुमने अपनी बहादुरी का सबूत दिया है। पर तुम किसी बड़ी मुसीबत में पड़ सकते थे, इसलिए अगली बार ऐसे मौकों पर हमें बता कर जाना। माशा ने भी बहादुरी दिखाई और उसके साथियों ने भी उसे माफ कर दिया, पर एक नई मुसीबत खड़ी हो गई है। अब जब इन्होंने फैसला लिया है तो कुछ सोच समझ कर ही लिया होगा। राजा, 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 राज
कितना पिटोगे बाला? अब तो हार मान लो। एक, दो, कभी नहीं। मेरा लकी लॉकेट। मोगली पीछे देखो। अब तुम्हें हार माननी होगी मोगली। एक, दो, तीन, और विजेता है बाला। ये मैच फिर से होना चाहिए। बाला ने चीटिंग की है। नहीं, ये झूठ है। मैं रेडी नहीं था। मेरा लकी लॉकेट टूट गया था और माफ करना मोगली, पर इस बारे में तो पहले बात नहीं हुई थी। अरे ऐसे क्यों जा रहे हो? मैंने कोई चीटिंग नहीं की है। ओ, तो यहाँ आकर बैठे हो मोगली। वैसे अपने भाई को चीटर कहना अच्छी बात नहीं है। तुम ऐसी बातें कर रहे हो बलू? मुझे तो लगा तुम मेरे दोस्त हो। भाइयों के साथ छोटी मोटी लड़ाइयाँ हमें मजबूत बनाती हैं और जंगल के नियमों को समझने के लिए जरूरी हैं। अब जाओ और जाकर बाला से माफी मांगो। वो तुम्हें इसलिए हरा पाया क्योंकि तुम्हारा ध्यान इस लॉकेट पर चला गया था। अगली बार इसे उतार कर मैदान में उतरना। मैं इसे नहीं उतारने वाला और न ही उस बाला से माफी मांगूंगा। तुम दोनों जाओ और उसी के साथ रहो, मेरे पीछे मत आना। ओहो, इंसानी दिमाग अड़ियल क्यों होता है? हाँ, फिलहाल तो मेरा पेट खाने के लिए चीखे लगा रहा है। खाना नहीं खाओगे? चले जाओ, मुझे भूख नहीं है। एक हार को तुम अब तक अपने सिर पर लेकर बैठे हो। इससे पहले तुम कई बार बाला को हरा चुके हो। हाँ, वही तो बात है, मैं जीतता था इसी की वजह से। इस पंजे से? याद है ना मुझे ये कैसे मिला था? हाँ याद है, शेर खान से लड़ते वक्त। लेकिन क्यों? ये मैंने किसी को नहीं बताया, पर तब से आज तक मैं एक भी जंग नहीं हारा हूँ। तुमने तो खुद ही देखा है ना बगीरा, ये पंजा मेरे लिए लक लेकर आया है। क्या लक? इसमें हंसने वाली क्या बात है? मजाक पर ही तो हंसते हैं मोगली। एक पंजे से तुम लकी हो जाओगे, ये कहाँ की बात हुई। अब चलो घर चलते हैं। इस बगीरा को कौन समझाए? देखना, सिर्फ पके वाले फल ही तोड़ना। ठीक है। शुक्रिया। तुमने ही तो कहा था पके पके चाहिए। आओ ना बलू, इस पानी में खुद को धो लो। जल्दी आओ बलू, फिर खाने चलेंगे। खाना तो मुझे भी खाना है। तुझे खा लूं, बड़े दिनों बाद मिले हो। तुम मेरे जंगल के नहीं हो बच्चे, इसलिए तुम्हारा यहाँ रहने का कोई हक नहीं है। पता नहीं यहाँ क्या हुआ था मोगली, पर तुम्हारी किस्मत अच्छी थी कि तुम बच गए। क्या वो अब भी पेड़ पर है? तुमने जो बताया शायद वही सोचते हुए सो गया। मुझे उसकी बात सुनकर हंसी आई थी बलू, पर जरा सोचो, इस जंगल में हम किस्मत के भरोसे तो काम नहीं कर सकते ना। मत भूलो बघीरा, वो इंसानी बच्चा है और इंसान थोड़ा अलग सोचता है। शायद वो उसे खुद से कभी दूर नहीं करेगा। मेरा लॉकेट का? तुमने कहीं मेरा लॉकेट देखा का? का उठो तो, लगता है तुम्हारे नीचे मेरा लॉकेट मिल गया। दूर हटो, का ने कुछ उल्टा सीधा खा लिया है जो उसे हजम नहीं हो रहा, और वो सोकर उसे हजम कर रहा है। समझ रहे हो ना तुम? हाँ,
इसका मतलब मुझे मेरा लॉकेट वापस नहीं मिलेगा। गया काम से। अब छोड़ो भी, इस हालत में पाइथन एक घायल शेर से भी खूंखार होता है। कब तक बिना खाए रहोगे मोगली? ये फल बड़े ही स्वादिष्ट हैं। अच्छा एक चूहा खा लो। हाँ, मुझे काम मत समझो जो कुछ भी खा लेता है। फिक्र मत करो, जैसे ही काकी नींद खुलेगी तुम्हारा लॉकेट मिल जाएगा। और उसकी नींद कब खुलेगी? देखो अगर उसने एक भैंस खा ली है तो उसे पचने में 3 से 6 महीने भी लग सकते हैं। मोगली, तुमने मेरे बारे में ठीक नहीं कहा। अगर तुम्हें फिर से लड़ना है तो मैं तैयार हूँ। शाम को वही मिलना, फिर सारा हिसाब बराबर कर देंगे। नहीं बाला, मोगली ने जो भी कहा उसे दिल पे मत। मुझे मंजूर है, मैं पहुंच जाऊंगा। आज सूरज ढलने से पहले पता चल जाएगा कि कौन ज्यादा ताकतवर है। पहुंच जाना। शायद इसकी अकल खुले, क्योंकि इस जंग में जनाब का लकी लॉकेट तो साथ नहीं होगा ना। जाओ, कितना सोते हो तुम? का? मुझे लॉकेट निकालने दो बस। इससे बात बन सकती है। का? कोई तो तरीका होगा जिससे इसकी नींद खुले। बलू, क्या ये तुम हो? अच्छा हुआ बघीरा की तरह चीता नहीं हो, वरना नाश्ते में चूहा खाना पड़ता। का, उठो का, नाश्ता आ गया है। देखो देखो कितना टेस्टी नाश्ता है। बदबूदार गंदी नाली का चूहा। बड़ी बदबू है शेर खान। पर अफसोस, सड़े चूहे की ये बदबू मेरी इंसानी भूख नहीं मिटा सकी। बरखुरदार है कहा वो? उसने बोला है तो उसे आना चाहिए था, जरूर कुछ हुआ होगा। अरे डर गया होगा, मेरी हिम्मत देख के और क्या। ओ बाला, अब मोगली के साथ ऐसे झगड़े करना बंद भी करो। लाली सही कह रही है बाला, ये सब लड़ाइयाँ बेवजह हैं। तुम तो समझदार हो बलू, पर ये मोगली और मेरे बीच की बात है। अगर वो दिखे तो कहना मैं उसका इंतजार कर रहा हूँ। मोगली को तो अभी तक यहाँ आ जाना चाहिए था। मोगली डरपोक नहीं है। मैं तुमसे नहीं डरता शेर खान, तुम्हें तो मैं पहले भी हरा चुका हूँ। तब जब मेरा नाखून टूटा था ना, पर अब ब्रेकिंग न्यूज दू, वो फिर आ गया है। कब से बकर 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 दिख नहीं रहा? मैं सोने की कोशिश कर रहा हूँ, किसने उठाया मुझे? हाँ, अब मुझे नहीं खा पाएगा शेर खान, मेरे पास मेरा लकी पंजा आ गया। अगर मेरी पेट की भैंस पच गई होती तो अभी तुम्हें खा जाता इंसानी बच्चे। और सुन ले, आज के बाद मेरी नींद तोड़ने की कोशिश मत करना। और तुम्हें इस लकी पंजे की क्या जरूरत, वैसे ही तुम बहादुर हो। ये लो, इसकी जरूरत नहीं है मुझे। अच्छा तो आ ही गया डरपोक, आज की हमारी इस जंग का विजेता सबसे शक्तिशाली कहलाएगा। ठीक है, पर पहले मुझे तुम्हें कुछ कह। अब बातें क्यों कर रहे हो, आ जाओ मैदान में। बोलो, हार मानते हो ना? मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। क्या? यही कि मैं तुमसे ज्यादा ताकतवर हूँ? नहीं, ये कि मुझे माफ कर दो। सच में? दिल से कह रहे हो? हाँ, मुझे तुम्हें चीटर नहीं कहना चाहिए था। अच्छा, फिर ठीक है। और मैंने लाली से कहा कि तुम बहुत डरपोक हो, पर ये सच नहीं है। तो हम लड़ क्यों रहे हैं? हाँ, मुझसे क्यों पूछते हो, हम दोनों तो भाई हैं, है ना? और ये जंग बराबरी पर खत्म होती है। ये दोनों ही भाई बहुत ताकतवर हैं। अब तो तुम्हें इसकी जरूरत नहीं है ना? वैसे है तो नहीं बलू, पर मैं इसे पहनना चाहूँगा।
उस जंग की याद में जिसमें मैंने शेर खान को धूल चटाई थी अपनी हिम्मत से। तुम समझ गए ना, हर बार किस्मत के भरोसे रहना ठीक बात नहीं। अब मुझे ही देख लो, मैं जो भी करता हूँ अपने दम पर करता हूँ। क्यों ना कल मैं तुम्हारा लेसन हिम्मत पर लूँ, क्या कहते हो?